close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी टाइम हो रहा है दिन के एक और मैं हूँ देहरादून में, और यहाँ पे जो गर्मी है ना उसकी तो खैर पूछो ही मत। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त को लेने आईएसबीटी तक, वहीं से जाएंगे दूसरी वाली दीदी के यहाँ। तो चलिए आज के इस नए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया। पहुँच गए आप? सालों ने धोखा दे दिया यार। भाई धोखा बोलते बोलते मैं बुलेरो में। अरे यार सीन गड़बड़ हुई, रोड भेजा था यार। भाई जी अभी टाइम हो रहा है दिन के डेढ़, और हमारे साथ आगे हैं तिलवाड़ा वाले रावत जी। तो भाई जी कैसा रहा आपका सफर? बस बढ़िया रहा, रास्ते में अच्छा रहा, आज मौसम भी अच्छा था तो अच्छा ही रहा सफर भी। तो चले भाई जी, चलो फिर। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर। चले भाई। फिलहाल मैं हूँ आईएसबीटी में, और यहाँ पे विनीत भाई आया था अपनी बाइक लेके, और अब जा रहे हैं दोनों रूम की साइड। कल जो बात हुई थी उसमें विनीत भाई ने कहा था कि मैं रोडवेज से आ जाऊँगा, लेकिन जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि देखा कि बाइक लेके आए हैं, फिर उनकी कथा सुनी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, फिर जाके मेरे को बाइक लानी पड़ी। तो मेन विनीत भाई के साथ जो हुआ वो ये कि उनके घर वालों ने कहा कि बाइक लेके जाओ, और एक हमारे घर वाले हैं कि बाइक लाने के लिए अलाउ नहीं किया। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि जो हमारा वाला रूट है ना वहाँ पे बरसात की वजह से काफ़ी टूट फूट हो रही थी, इस वजह से घर वालों ने मना कर दिया। और रही विनीत की बात, तो विनीत जिस रूट से आता है वहाँ पर इतना डैमेज नहीं होता है, इस वजह से उनके घर उसके घर वालों ने शायद उसको अलाउ किया होगा। और उसको बस में आने पर वॉमिटिंग भी होती है, इसलिए ना उसने यहाँ से लेफ्ट शिमला बाईपास, और भाई चल हे गाइज, मैं हूँ अभी शिमला बाईपास पे, और मैं था वहाँ पे बड़ी वाली दीदी के यहाँ, और वहाँ से अभी विनीत भाई का कॉल आया, वो आईएसबीटी पे आ चुका था। तो चलो विनीत भाई के पास जो FZ है ना, पहले ये मेरे पास हुआ करती थी, फिर उसके बाद DV बनी और विनीत भाई ने ये बाइक रखी। और इस बाइक की बात करूँ ना तो यार काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है FZ। तो आप अगर आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसी बाइक है। तो अगर मैं विनीत की बात करूँ तो हम लोगों ने जो अपनी BSc एग्रीकल्चर थी 4 साल की वो साथ में की। भले ही हम दोनों की यूनिवर्सिटी अलग अलग थी, लेकिन जो हमारा कॉलेज था एक ही था। और BSc कंप्लीट करने के बाद बहुत से दोस्त इधर उधर चले गए, लेकिन मैं और विनीत फिर से उसी कॉलेज से MSc कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी हम लोगों के एग्ज़ाम हैं 20 तारीख को, और मैं आ गया था 2-3 दिन पहले, और विनीत भाई आज आया गढ़ से। इसका गढ़ जो है ये है आपकी मयाली वाले रोड पे, बडानी ताल तो आपने सुना ही होगा, वो इसके घर के पास में ही है। और विनीत भाई चला सुबह लगभग 7:30 बजे, और पहुँच भी टाइम हो रहा है दिन के डेढ़। और विनीत भाई कह तो रहा था कि मेरी इच्छा तो थी नहीं बाइक लाने की, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती भिजवा दी। तो देखते हैं, बातें से बहुत सारी होती हैं, आज रूम पे जाके करेंगे बातें जो भी करनी है। तो गर्मी बहुत ही गंदी वाली गर्मी हो रही है यार, बहुत ही गंदी वाली जिसको बोलते हैं ना। इससे बढ़िया तो अपना पहाड़ी है, जहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ भाड़, ना ऐसी
गंदी वाली गर्मी। तो अभी हम लोग हैं शिमला बाईपास पे, और शिमला बाईपास यहीं से होके आगे प्रेमनगर साइड जाएंगे, क्योंकि वहीं पे दीदी का घर है। भाई जी आराम से, पेट्रोल तो है अभी, देखेंगे बाद में भरवाने की। कितना किया तूने? 100 का हो गया ना पूरा, डेढ़ किलो। एक किलो कर दे, एक किलो पूरे। तो बेग ब्रो गया मैं, बेग बंदा। ऐ थोड़ी दौड़ दो मैं तो। हालो अर्ली नहीं यार, दूसरी सुबह में। दूसरा? हाँ। मैं सोया था सोच रहा कि मैं दूसरी ले आया क्या? अतिन मनी हुआ मित्र ये। टाइम 2 बजने को है और जस्ट पहुंच ही गए समझो ना। और देहरादून में ना मौसम का भरोसा नहीं होता यार, कब चेंज हो जाता है। कहीं बारिश लग रही होती है, कहीं धूप, यहाँ का भरोसा नहीं होता है। तो बस यही से लेफ्ट लेना है, चले बस यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से लेफ्ट। रोड के तो ऐसे ही हाल है यार, यहाँ पे बेकारी हाल है। हवन से रुके के लिए क्या हो गया? हम मामा को प्रणाम कर चल। तो ये है नेशनल हाईवे 72 जाजरा देहरादून में, और सामने है बालाजी का मंदिर। बालाजी जो कि भगवान हनुमान जी के बचपन का नाम था, और यहाँ पे भगवान हनुमान जी का ही मंदिर है, अभी दर्शन करने आ रखे हैं। सो वेल गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7, और आज है ट्यूसडे। तो घर के पास में था यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, और अभी आया था यहाँ पे दर्शन करने, और दर्शन करके वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ के अब हम लोग जा रहे हैं फिर से रूम की तरफ। और जो यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है वो है यहाँ पे जाजरा में। तो अभी दर्शन कर लिए हैं और जा रहे हैं रूम की तरफ, तो मिलते हैं आपको।